चौधरी विजेंद्र सिंह पूर्व सांसद अलीगढ़ जनौनी जो हमें टिकट दिया है, हम उनका धन्यवाद कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं। नंदीश यादव जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो हम पर विश्वास जताया है, हम उस विश्वास पर खरा उतरने का कार्य करेंगे। हम विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग विकास के लिए चुनाव लड़ते हैं। हमारे कार्यों का तो कहीं तोड़ ही नहीं। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN News, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि तोमर HBN News से। जैसे कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, सभी प्रत्याशी अपनी कमर कसकर मैदान में उतर चुके हैं और अब नई नई रणनीतियां बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि इस बार उन्हें चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव में किस प्रकार विजय हासिल हो। इसी के चलते आज हम आए हैं वडेसरा गांव में, जहां पर जिला पंचायत वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी मनोज चौधरी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। तो आज हम HBN के माध्यम से उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या क्या रणनीतियां हैं, इस चुनाव को लेकर क्या क्या योजना है, क्या क्या तैयारियां हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं चौधरी मनोज सिंह जी से। सर, आपका HBN News में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार पत्रकार बंधुओं का, आपके इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बहुत नमस्कार सभी पत्रकार साथियों को। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है, मैं सर आपसे पहले आपका संक्षिप्त परिचय जानना चाहूंगी। आप जानना चाहूंगी कि इस क्षेत्र के लोग आपको किससे जानते हैं, आपके काम से, आपके नाम से। मैं मनोज चौधरी हूँ, समाजवादी पार्टी पूर्व जिला उपाध्यक्ष, जनपद अलीगढ़ का पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी। मनोज चौधरी मेरा नाम है और माननीय अखिलेश यादव हमारे नेता हैं और माननीय अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी पहचान है, उस समाजवादी पार्टी की पहचान नाम से जाना जाता हूँ, मनोज चौधरी समाजवादी पार्टी। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने इस चुनाव को लेकर क्या क्या रणनीतियाँ तैयार की हैं, क्या क्या योजनाएं तैयार की हैं। देखिए, हमारी माननीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार 300 से ऊपर किसानों की जो शहादत हुई है देश में किसान आंदोलन में, वो लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहे हैं, किसानों की, मजदूरों की। माननीय नेताजी हमारे अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है और किसान पंचायतों के माध्यम हो, चाहे समाजवादी साइकिल यात्रा के माध्यम हो, चाहे घेरा डालो के माध्यम हो, चाहे महिलाओं के समाजवादी कार्यक्रम घेरा के द्वारा कार्यक्रम हो, चाहे नौजवान फ्रंटर जितने भी समाजवादी पार्टी के उनके द्वारा जनता के बीच में जाना हो, लगातार समाजवादी पार्टी के नेता के निर्देश पर हम लोग किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, व्यापारियों के, अल्पसंख्यकों के, अग्रणी पिछड़ों के सबके बीच में जा रहे हैं और 300 से ज़्यादा जो किसान आंदोलन में शहादतें हुई हैं, एक शब्द न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, न देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, न गृह मंत्री जी, न BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी एक शब्द नहीं बोले शहादत पर, एक बार श्रद्धांजलि नहीं दी, एक बार शोक संवेदना व्यक्त नहीं की। इससे ज़्यादा निकष्ट और निलज क्या सरकार होगी जो किसानों की मौत होने के बाद में भी आज तक लगातार खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, लेकिन उनसे कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं, उनके बीच में जाने को तैयार नहीं है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे माननीय पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह जी लगातार सड़क से लेके जनता के लेके किसान पंचायतों के द्वारा, संघर्ष के द्वारा, नीतियों के द्वारा जनता के बीच में हैं। हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी किसानों की जो जमीन है, किसान की माँ होती है, हमारी माँ है, हम भी किसान के बेटे हैं। अगर कोई हमारी माँ को हमसे छेड़ेगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेगी और BJP हमारी जमीन को छीनना चाहती है, किसानों की जमीन को छीनना चाहती है। जो तीनकालीन किसान के जो बिल आए, कृषि तीनकालीन कानून जो बनाए हैं, वो साफ तौर से जाहिर है, कानून बनाने से पहले ही अडानी अम्बानी के गोदाम बन गए और ये एक साजिश है, किसान की जमीन छीनने की साजिश है। इस साजिश को हम नाकाम कर देंगे और इसके लिए चाहे हमें कितनी भी शहादत देनी पड़े, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस काम के लिए जनता के बीच में
जा रहे हैं, हम उनके साथ हैं और पूरी लड़ाई लड़ेंगे और हम मंसूरों पर इनको कामयाब नहीं होने देंगे। तो किसानों के बीच में बहुत बड़ा आक्रोश है, किसान और मजदूर और गांव के जितने भी लोग हैं आज ये स्थिति है कि बीजेपी के लोगों को घुसने नहीं दे रहे हैं और बहुत बड़ा आक्रोश है इनके खिलाफ। सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको अपनी क्षेत्र की जनता से क्या उम्मीद नजर आती है चुनाव को लेकर? पूरी जनता हमारी समाजवादी पार्टी के साथ है, माननीय अखिलेश यादव जी में विश्वास करती है, उनके विकास कार्यों में विश्वास करती है। माननीय अखिलेश यादव देश के चेहरा है, उन जैसा कोई चेहरा नहीं है, उन जैसा कोई नेता नहीं है। उनकी जो सोच है, उनके एक्सप्रेस वे देखिए, उनकी समाजवादी पेंशन देखिए, उनके बेटी बचाओ जी तो फर्जी नारा देते हैं मोदी जी, उनके बेटी बचाओ नारी सशक्तिकरण के लिए 10-90, ये जो हेल्पलाइन शुरू की थी, 100 नंबर शुरू की थी जो इन्होंने बदल दिया, 100 नंबर 5 मिनट के अंदर पहुंचती थी, ये सारे कार्यक्रम माननीय अखिलेश यादव जी के, सड़क का चौड़ीकरण, सड़कों का बनना, पुलों का बनना, दवाई सस्ती, रोटी कपड़ा सस्ता, ये नारा था लोहिया का, दवा पढ़ाई मुक्ति होगी, रोटी कपड़ा सस्ता होगा, उस नारे को साकार किया। किसानों के नहर के बम्बे के पानी को फ्री कर दिया, किसान का पानी नहर बम्बे से कितना मिलेगा उन पर पैसा नहीं जाएगा, फ्री है नहर का पानी, सरकारी ट्यूबवेल का पानी फ्री कर दिया समाजवादी पार्टी ने, दवाई का पर्चा 1 रुपये का कर दिया। ये कार्यक्रम जनता के जो कार्यक्रम है, 50 लाख से ऊपर समाजवादी पेंशन दी, हर वर्ग हर धर्म हर जाति के लोगों को छुआ, गरीब की बात करते हैं, गरीब के किसानों की बात करते हैं, किसानों के बिल समाजवादी पार्टी में क्या थे और आज किसानों के टुकड़ों के बिल की स्थिति क्या है, गांव में घरेलू कनेक्शन के बिलों की स्थिति क्या है, टाटा बिल्ला अडानी अंबानी 10-10 हजार करोड़ 20-20 हजार करोड़ लाखों हजार करोड़ लेके चले जाते हैं, किसान अगर 10 हजार भी अगर नहीं देता है तो उसके खिलाफ FIR हो जाती है, उसको जेल भेजा जाता है। बड़े बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी 20-20 हजार मोदी लेके नीरव मोदी लेके देश से भज गया, हजारों की कार्रवाई नहीं होती है, दिखावट हुआ। तो किसान के पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी है और ये सरकार हर तरह नाकाम है, हर मोर्चे में नाकाम है। पूरे क्षेत्र की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उनके पार्टी के साथ, मैं तो एक चेहरा हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे तो एक चेहरा बनाया है प्रत्याशी बना के, लेकिन माननीय अखिलेश यादव के साथ साथ हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर किसान मजदूर सब लोग खड़े हैं और समाजवादी पार्टी से लड़ाई है, ना कि समाजवादी पार्टी किसी की, जिस किसी की लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी किसी से लड़ाई नहीं, समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत रही है। माननीय अखिलेश यादव हमारे चेहरा, ऐसा चेहरा बेदा डेवलपमेंट का हो, नारी सशक्तिकरण का हो, नौजवानों का हो, रोजगारों का हो, फर्जी रोजगारों की बात करते थे 1 करोड़ देंगे और डेली रोजगार हटा रहे, 1 भी रोजगार दिया हो, महंगाई या चरम पर है, बहुत सा भ्रष्टाचारी चरम पर है, पुलिस बेलगाम है, प्रशासन बेलगाम है, जी चाव उसको ठोक देते हैं, ये ठोकों की नीति, किसान जाग गया है, मजदूर जाग गया है, नौजवान जाग गया है, छात्र जाग गया है और ये इसका पंचायत के चुनाव में माहौल लगा के इन सारे प्रश्नों का उत्तर जनता मोदी जी से, योगी जी से ले लेगी और इसको निस्तराभूत कर देगी। बीजेपी को उसकी औकात बता देगी कि किसान से कैसे छेड़ा जाता है, मजदूर से कैसे छेड़ा जाता है, नौजवान से कैसे छेड़ा जाता है, शिक्षक से, छात्र से, व्यापारी से। छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे, जब किसान खत्म हो जाएगा छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे। भाई किसान आबाद है जब, तो छोटा व्यापारी आबाद है, वही रह जाएंगे पूंजीपति, चार लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, या हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, रिजर्वेशन कहाँ रहेगा? आप पेट्रोलियम को आपने बेच दिया, BSNL को बेच दिया, हवाई अड्डों को बेच दिया, अब वो कंपनी रखेंगी वो रिजर्वेशन कहाँ देंगी? सारे देश को बेचना चाहते हैं और इन्होंने कुछ एक भी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, आप बताइए इन्होंने एक भी कोई NIT बनाई हो, IIT बनाई हो,
कोई इन्होंने सरकारी उपक्रम बनाया हो, सारे उपक्रम पुराने इन्होंने बनाया क्या है, सारा काम बेचने का किया है, जनता जान गई है और इनका जवाब दे देगी। जी सर, सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको अपनी पार्टी और जो अपोजिट पार्टियां हैं जिला पंचायत चुनाव में उसमें क्या अंतर दिखता है? हमारी पार्टी माननीय अखिलेश यादव माननीय मुलायम सिंह यादव जी की संघर्ष की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, माननीय चौधरी चरण सिंह किसानों की आत्मा और इस देश की मसीहा, किसानों की मसीहा अगर किसी को कहा जाता है तो चौधरी चरण सिंह जी को कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह जी के दंतक पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी को कहा जाता है और किसान की कोख से उपजी हुई पार्टी, किसान की कोख से पैदा हुआ नेता माननीय मुलायम सिंह यादव है, साक्षात माननीय हमारे किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री जी के बारिश की तरह किसानों की कोख से पैदा हुआ, छोटे परिवार से पैदे हुए किसान परिवार में पैदा हुआ किसान माननीय नेताजी हैं। उन्होंने पार्टी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए बनाई थी और उन्हीं की लेके हमारी पार्टी कार्य कर रही है। तो हमारे पार्टी के सामने तो कोई टिकी नहीं पाता है, संघर्ष की पार्टी है। मुलायम सिंह यादव संघर्ष का नाम है, अखिलेश यादव संघर्ष का नाम है, विकास का नाम है, सारे लोगों को साथ लेके चलते हैं। तो सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहते हो, उनके लिए क्या सोचते हो? हमारी पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम, माननीय अखिलेश यादव जी जब हमारे मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार थी, बहुत सारे कार्यक्रम शिक्षा के बहुत सारे इंस्टीट्यूट उन्होंने खोले, चाहे आपका ये एंटी हो नोएडा, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इसकी मान्यता दी थी, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोले, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ बनाई, चाहे सरकारी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपके पूर्वांचल में हो, पश्चिम में हो, नोएडा यूनिवर्सिटी में आई आई जो एम टी कहते हैं वो हो, और बहुत सारे नाम हैं, मैं आपको गिनाऊंगा तो कुछ समय लग जाएगा। बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में जो काम माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव जी ने कर दिया, समाजवादी पार्टी ने कर दिया, वो काम हमारा कोई हमसे कोसों दूर है, कोई कर ही नहीं सकता। इन्होंने तो एक कुछ किया ही नहीं, एक यूनिवर्सिटी बनाई हो तो आप बता दो, इन्होंने कोई एक मेडिकल कॉलेज बनाया हो तो बता दो, सारे मेडिकल कॉलेज हाँ एक काम कर रहे हैं, ये हमारे बनाए हुए मेडिकल कॉलेज, हमारे बनाए हुए यूनिवर्सिटी, हमारे बनाए हुए डिग्री कॉलेज, हमारे बनाए हुए आईटीआई, उन पे अपना पत्थर लगाने का कार्य योगी जी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, सारे काम हमारे हैं, उन पे खाली खाली पत्थर लगाने का कार्य कर रहे हैं और हमारे कार्यों को, मेट्रो हमने चलाई थी उद्घाटन कर रहे फर्जी, कैंसर इंस्टीट्यूट हमने दिया था उसका कर रहे हैं, मेदांता माननीय अगले जिलाए थे उसका कर रहे हैं, सैमसंग को नोएडा में फैक्ट्री लाए थे उसकी ये कर रहा है, जबरदस्ती अपने खाली पटका लगाने का कार्य कर रहा है, कोई विकास कार्य लिखा कहीं लिख रहा हो, कोई एक्सप्रेस वे इन्होंने बनाया हो उत्तर प्रदेश में बताइए, और आप आगरा से चले जाइए लखनऊ तक, कितना टॉप एक्सप्रेस वे जिस पर जेट भगवान भी उतरते हैं, आपातकाल में अगर देश के सामने कोई स्थिति हो तो उस पर हवाई जहाज सेना उतार सकती है, ये चेक किया था माननीय अखिलेश यादव जी ने, तो हमारे कार्यों का तो कहीं तोड़ ही नहीं है, हमारे काम बोलता है, माननीय अखिलेश यादव जी का श्रेष्ठ लोग बने हैं कि काम बोलता है नाम बोलता है, तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का काम बोलता है नाम बोलता है। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो अभी महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उस पर आप क्या सोचते हैं, जो आज इस देश में इतनी महंगाई, सब निचले वर्ग के लोग बहुत परेशान हैं इस चीज से। जब से आप इतिहास उठा लो, जब जब बीजेपी सरकार आती है पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की पार्टी है, ये पूंजीपतियों को ही बढ़ाने का कार्य करती है, किसान को भूल जाती है, नौजवान को भूल जाती है, मजदूरों को भूल जाती है, अपने वोट जो लेता है खाली धार्मिक अनुवाद पैदा करके जो वोट ले लेती है, वोट लेने के बाद में हिंदू मुस्लिम करने के बाद सरकार बनने के बाद ये इन चीज़ों को भूल जाती है, मुख्य मुद्दाओं को, क्या एजेंडा है, और खाली पूंजीपतियों को लाभ देती है। तो पूंजीपतियों को आप लाभ दोगे तो महंगाई नहीं रुकेगी, किसान का वही रेट गेहूं का नहीं बढ़ाया, वही रेट बाबा रामदेव का आटा कितने में बिक रहा है या आपको पता, गन्ने का भुगतान आज तक नहीं किया, झूठ, इनकी मीडिया भी झूठ,
इन्हीं की बात करती है, सच्चाई दिखाती नहीं, स्थिति खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया गन्ना भुगतान के लिए, आज तक नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा कोई होगा, हाई कोर्ट से भी बड़ा कोई होगा, तो इनके खाली कागजे और झूठ बोलने के ढकोसला है। और ये महंगाई तो इनके, अभी तो देखना ये तीन काले जो काले कानून बनाए हैं कृषि के, ये जो सारी चीज़ें जब इनका असर होगा, ये हम जो लड़ाई लड़ रही समाजवादी पार्टी किसी लिए लड़ रही, इसीलिए तो लड़ रही है। इन्होंने जो स्टॉक था, पहले कोई भी व्यक्ति स्टॉक नहीं कर सकता था, अगर कहीं स्टॉक करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी, धारा 3-7 में कार्रवाई होती थी। और अगर स्टॉक कर सकता था तो आपातकाल या अकाल, देश में अकाल पड़ जाए तो स्टॉक की स्थिति थी, या आपातकाल हो देश में, कहीं कोई आपातकाल की स्थिति है, युद्ध है या कोई बात है किसी विदेशी शक्तियों से, विरोधियों से, विदेशी शक्ति विरोधियों से, विदेशी देशों से, तो स्टॉक हो सकता था। लेकिन इन्होंने उस स्टॉक को इन तीन काले कानूनों में ख़त्म कर दिया। जब स्टॉक ख़त्म कर दिया, कोई भी कितना स्टॉक कर सकता है, लिमिट को इन्होंने, पहले एक लिमिट थी, उस लिमिट को इन्होंने ख़त्म कर दिया। पहले स्टॉक कोई कर ही नहीं सकता था, आपातकाल में या युद्ध के स्थल हो सकता था। अब उन्होंने इस स्टॉक के नियम को बदल दिया कि कोई भी स्टॉक कर सकता है। जब एक, आप बताइए, एक जिले में इनका गोदाम बनना है, एक गोदाम अडानी जब पूरे जिले का या प्रदेश के गोदामों में भर देगा माल को, और फिर वही माल उसकी मनमर्जी से बिकेगा, तो महंगाई तो अपने आप बढ़ेगी। वो आप किसान से लेगा औने पौने में, बेचेगा अपनी मर्जी से, तो ये पूंजीपतियों की पार्टी है, इसीलिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम। अगर ये मजदूर मर जाएगा, किसान मर जाएगा, आटा पैकिंग में बिकेगा, वही आटा आज बिक रहा है 20-30 रुपया, वो बिकेगा 100 रुपये, क्योंकि उस पर मोहर लग जाएगी। अडानी का आटा, अम्बानी का आटा, टाटा बिल्ला का आटा, तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए तो लोग, हम समाजवादी पार्टी लड़ रही है, किसानों की आवाज़ उठा रही है। और इन सारे तीन काले कानूनों में ये भी महंगाई वाला जो स्टॉक वाला है, ये एक कानून है जो इन्होंने इस तरह से साजिश से बनाया है। इन सारी चीज़ों को तो हम लड़ रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहे हैं, और लड़ाई लड़ते अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। और सच्ची श्रद्धांजलि किसानों के प्रति हम दे रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे 300 से ज़्यादा किसान आज तक मर गए, हम उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, और समाजवादी पार्टी के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव के साथ हैं, और हम उनकी शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। अंतिम सांस तक समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ेगी। और ऐसे तीन काले कानून और जो महंगाई के जो जितने कानून हैं, इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, जब तक ये वापस नहीं होंगे हम आराम से नहीं बैठेंगे। सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जैसे जिला पंचायत का चुनाव हो जाता है, आपकी विजय हासिल होती है, तो आप जनता के लिए कौन सा कार्य करना चाहेंगी जिससे वो प्रसन्न हो? देखिए, हमारे जीत जो हमारी नहीं होगी, ये समाजवादी पार्टी की जीत होगी, ये गरीब किसान की जीत होगी, मजदूर की जीत होगी, नौजवान की जीत होगी, मुसलमान की जीत होगी, अगड़े पिछड़े ब्राह्मण की जीत होगी, हर जाति की जीत होगी। चूंकि समाजवादी पार्टी किसी जाति धर्म में विश्वास नहीं करती, वो सबको किसान को ले सकती, लेके चलती है, मजदूर को लेके चलती है, और किसान की कोई जाति नहीं होती। इन सारे लोगों की, पूरे क्षेत्र की जनता की जीत होगी, और अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव के हाथ में मजबूत होंगे। और ये पंचायत का चुनाव ये महत्वपूर्ण इसीलिए है कि ये 2022 का उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाए। ये पंचायत का चुनाव उत्तर प्रदेश में इस योगी सरकार को हटाने में अंतिम कील साबित होगा, दफन करने में। ये टेस्ट रिपोर्ट है, और क्षेत्र की जनता के लिए हम जो हमारे कार्यक्रम हैं, विकास के कार्यक्रम हैं, जो हमारी सरकार के कार्यक्रम रहे हैं, समाजवादी कार्यक्रम रहे हैं, उन कार्यक्रमों को हम बढ़ चढ़ कर क्षेत्र की जनता के बीच में
जाएंगे ले जाएंगे और उन योजनाओं पर कार्य करेंगे जो योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री शारदा देवी चलाई थी, उन्हीं योजनाओं को बढ़ाने का कार्य करेंगे जो कि इन्होंने रोक दी है। इस बीजेपी सरकार ने सारी योजनाएं अखिलेश यादव जी की रोक दी है, हम उन्हीं योजनाओं को उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और क्षेत्र की जनता के हर दुख सुख में कंधे से कंधा मिलाकर उनके बीच में रहेंगे और उनकी हर बात को, हर परेशानी को जिला पंचायत के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदन के माध्यम से बहुत जोरदार से बहुत मजबूती के साथ उठाएंगे और उनका समाधान कराएंगे और क्षेत्र के विकास के लिए कहीं कोई कमी नहीं होने देंगे। क्षेत्र के विकास के रास्ते सारे खोल दिए जाएंगे। जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का बजट बहुत बड़ा बजट होता है, अगर जनता अपना सही नुमाइंदा चुन लेती है तो एक विकास का सबसे बड़ा माध्यम है वो जिला पंचायत गांव से जाता है और उसमें समाजवादी की पार्टी के लोग जीत कर विकास कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। सर, जैसे आपको लगता है कि जो सरकार द्वारा योजनाएं आती हैं और जो गरीब गांव के जो लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो गरीब तबके के लोग हैं जिन्हें मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि सरकार ने हमारे लिए क्या क्या योजनाएं है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, उनको कैसे सही किया जाए? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है कि योजनाएं गरीब आदमी तक नहीं पहुँच, उनको उनका लाभ नहीं मिल पाता है, वो बिल्कुल आपने ठीक कहा है। जब सही नुमाइंदा या प्रत्याशी नहीं चुना जाएगा, जब तक सही निर्णय नहीं, अच्छे लोग नहीं चुने जाएंगे, जब तक ये योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच सकती। अब जिसको ज्ञान ही नहीं है, कोई व्यक्ति जानता ही नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को लोग जाति धर्म के आधार पर अनुवाद फैलाकर जी बीजेपी चुनाव में वोट ले जाती है हिंदू मुस्लिम कराकर, तो वो जानते ही नहीं है, उन्होंने कभी राजनीति की नहीं, कभी उन्होंने कोई सेवा नहीं की, जनता के बीच में नहीं गए, ऐसे लोग इनके एमएलए एमपी बने हैं, आपने देखा है, कभी उन्होंने जनता का कोई काम नहीं किया, कभी पार्टी कैडर का कार्य नहीं किया, कभी किसी के दुख सुख में नहीं गए, कभी कोई आंदोलन नहीं किया, कभी जनता के लिए लाठी नहीं खाई। समाजवादी पार्टी के लोग जनता के लिए लाठी खाते हैं, हम पुलिस से लाठी खाते हैं और जेल जाते हैं और हर लड़ाई सड़क पर लड़ते हैं, उसकी परवाह नहीं करते जेल की। तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग जनता की किस तरह से उसकी समस्या है उसको उठाने हम लोग जानते हैं, उसका समाधान कराना जानते हैं, उसको उठाना जानते हैं और अच्छे लोग जब चुनेंगे तो वो जनता की समस्याओं को सदन के माध्यम में उठाएंगे। बड़े दुर्भाग्य का विषय है, इस वार्ड नंबर 3 से आज तक जितने भी लोग चुने हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, आप बताइए कभी किसी ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदन में इस वार्ड नंबर 3 की किसी समस्या को उठाया हो, या आप पूरे क्षेत्र में दौड़ा कर रही, किसी जिला पंचायत सदस्य का आज तक जो चुने गए हैं कहीं एक पत्थर आप बता दें जिन्होंने विकास कार्य कराया हो, कहीं एक ईंट दिखा दें जिन्होंने ये विकास कार्य की लगाई हो, जिससे ये एहसास होता हो कि ये पहले चुने गए थे। खाली उन्होंने अपना पेट भरने का कार्य किया है, हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे, अब तो यही कहना चाहेंगे कि जब तक आप क्षेत्र की जनता को, क्षेत्र की जनता की समस्याओं को साथ लेकर नहीं चलोगे, उनकी परेशानियों को, उनकी मांगों को सदन में नहीं उठाओगे, जब तक क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। और बात वही उठा सकता है जो सही प्रत्याशी चुनकर जाएगा। तो समाजवादी पार्टी ने हम पे जो भरोसा जताया है, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें जो टिकट दिया है, चौधरी विजेंद्र सिंह पूर्व सांसद अलीगढ़ जिन्होंने जो हमें टिकट दिया है, हम उनका धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष का भी हम अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो हम पर विश्वास जताया है, हम उस विश्वास पर खरा उतरने का कार्य करेंगे और जनता की हर समस्या को बढ़ चढ़कर सड़क से लेकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदन में उठाने का कार्य करेंगे, उसका निस्तारण कराने का कार्य करेंगे। और जब तक चैन की सांस नहीं बैठेंगे, जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, हम विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम विकास
समाजवादी पार्टी विकास के लिए चुनाव लड़ती है, विकास कराने के लिए चुनाव लड़ती है, समस्या समाधान कराने के लिए चुनाव लड़ती है। हम विकास कराने के लिए चुनाव लड़ते हैं। हम बड़ेसरा के प्रधान भी रहे, हमारे गांव के विकास को आप देख सकते हो। इस चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने माननीय अखिलेश भैया जी ने हमारे बड़ेसरा में खजाने का मुंह खोल दिया था। जो भी हमने मांगा, सड़कें दी, बिजली दी, कब्रिस्तान दिया, शमशान दिया, लोहिया आवास दिए, प्रधानमंत्री आवास दिए, जितने भी सारी चीज़ें हैं माननीय अखिलेश यादव जी ने इस गांव के बड़ेसरा के लिए हमारे लिए खोल दिया था खजाने का मुंह, और उसकी जीती जागती मिसाल है गांव का विकास। तो समाजवादी पार्टी के लोग विकास के लिए चुनाव लड़ते, अगर जनता हम जीत के आ रहे हैं भारी बहुमत से, जनता हमारे साथ है, और जीतने के बाद हमारा पहला काम और पहला लक्ष्य यही होगा कि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है, हमारा नेता जो कहता है करता है, वही हमारी आदत है कि मनोज चौधरी जो कहते हैं वो करते हैं, कभी मुकरते नहीं। और सबसे पहले जीतते ही हमारा तूफानी दौरा होगा क्षेत्र में, क्षेत्र की समस्याओं की लिस्ट बनेगी, चाहे वो कैसी भी समस्या हो, सड़कों की हो, पुलों की हो, सिरसे में पुल नहीं छोड़ा, बहुत बड़ी गंभीर समस्या, कोई महिला बीमार हो जाती है रात में बारिश के समय में, छोड़ा आता है वो नहीं बिजौली CSC पर पहुंच पाती है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना पुल की वजह से, कभी कभी जान के भी लाले पड़ जाते, बच्चियां स्कूल जाती हैं पुल की वजह से, वो बच्चियां 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता। तो हम बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए और स्टूडेंट के अलावा किसान मजदूर आम महिलाओं के लिए सब के लिए वो पुल भी बनने के बाद हमारी पहली प्राथमिकता सिरसे का छुया का पुल रहेगा। क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कें हैं, सड़कें हैं ही नहीं, कच्ची सड़कें हैं, खरंजा भी नहीं है कहीं कहीं, खरंजा है तो टूटे हैं, सड़कें हैं तो टूटी हैं। इन सारी सड़कों का हम जाना चाहेंगे, खरंजाओं का जाल बिछाएंगे, पुलों का जाल बिछाएंगे, और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। और अगर हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की बारिश में बनती है तो 108, 102 जो पहले एम्बुलेंस हमने चलाई थी वो पुनः उन्होंने जिसको बंद सा कर दिया है वो तो दोबारा से फिर चालू होंगी, जिससे कि कोई मरीज कहीं से भी, कोई महिला मरीज कहीं से भी फोन करता है या महिला फोन करती है तो वो एम्बुलेंस उसके घर तक पहुँचेगी, और माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार वो उसको सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाएगी, इलाज कराएगी। स्वास्थ्य से हम कोई समझौता नहीं करेंगे, शिक्षा से हम कोई समझौता नहीं करेंगे, लड़कियों की शिक्षा से भी हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हम हो सकता है माननीय अखिलेश यादव जी से बात कर कर एक दो लड़कियों का डिग्री कॉलेज, लड़कियों के इंटर कॉलेज, लड़कियों के लिए ITI, माननीय चौधरी बिजन सिंह पूर्व सांसद जी को साथ लेकर माननीय अखिलेश यादव जी से कहेंगे, और हमें आसानी विश्वास है कि वो हमारी बात को नहीं ठहरेंगे। और शिक्षा के लिए क्षेत्र में माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन अनुसार और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते एक ऐसा मॉडल पेश किया जाएगा माननीय मंत्री में कि लोग देखेंगे कि समाजवादी पार्टी कैसा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारे न्यूज चैनल को इतना समय दिया और आपने हमारे सवालों के जो जवाब दिए बहुत अच्छे तरीके से दिए, और आप जनता को भी मुझे लगता है कि आपकी विजय हासिल होगी इस चुनाव को लेकर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंजलि जी, असली धन्यवाद माननीय अखिलेश यादव जी के लिए दीजिए, असली धन्यवाद माननीय पूर्व सांसद चौधरी बिजन सिंह जी के लिए दीजिए, और धन्यवाद माननीय जिला अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी के लिए दीजिए, और सारी समाजवादी पार्टी को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने कि मुझ जैसे एक छोटे से किसान परिवार के बेटे पर विश्वास करके और जो टिकट दी है, ये माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा परिचय है कि उन्होंने हम पर विश्वास किया। माननीय अखिलेश यादव जी को और चौधरी बिजन सिंह जी को कोट कोट धन्यवाद। धन्यवाद के पात्र से भी हमारी समाजवादी पार्टी और ये नेता रहे हैं, हम तो उनके कार्यकर्ता हैं, और उनकी बातों पर, उनके नीतियों पर,
उनके आदेशों पर, उन्होंने जो भरोसा जताया उस पर हम खरा उतरेंगे। पूरी क्षेत्र की जनता हमारे साथ है और हम बहुत भारी मतों के साथ चुनाव जीत कर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी बहुत बड़े भारी मतों से जीत कर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एग्जाम का डर सता रहा है? क्या आपको अपनी पसंद की बुक नहीं मिल रही है? अगर हाँ तो आइए हमारे सिटी बुक सेंटर और पाइए CBSE, NCERT और UP बोर्ड की हर तरह की बुक। राजेश शर्मा जी द्वारा बुक सेंटर अचलताल अलीगढ़। संपर्क करें 9411878351। दी कौटिल्य कॉम्पिटिशन क्लासेस, पहले आए और पहले प्रवेश पाएं। सभी अभ्यर्थियों के लिए UPSI GD कांस्टेबल के आधार पर परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा में प्रथम आने वाले 3 अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग संस्थान द्वारा निशुल्क शिक्षा। परीक्षा में द्वितीय आने वाले 5 अभ्यर्थियों के लिए 40% की छूट। परीक्षा में तृतीय आने वाले 20 अभ्यर्थियों के लिए विशेष छूट। नोट, नियम एवं शर्तें लागू। डायरेक्टर राज ठाकुर सर, मीरा कॉम्प्लेक्स, इटाचुंगी, GT रोड, अलीगढ़। मोबाइल नंबर 8535022214, 6397847915।